हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं आप लोगों के लिए एचपी अग्रवाल, जो एडवांस अकाउंटिंग का आप लोगों का पेपर हुआ था सितंबर 24 अटेम्प्ट का, जो कि एक बहुत अच्छा पेपर सभी स्टूडेंट्स का गया है, तो उसका ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने उसका पार्ट ए, जो भी पार्ट ए था, उस पार्ट ए का पूरा वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। तो उस पार्ट ए का जो वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर उसका है ना वीडियो सॉल्यूशन का जो कोई प्रिंटेड फॉर्म्स भी आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैंने आप लोगों के लिए उसका पूरा का पूरा जो वीडियो सॉल्यूशन था, उस वीडियो सॉल्यूशन का जो भी पार्ट ए के क्वेश्चंस थे, उसका पूरा एक प्रिंटेड फॉर्म ऑफ आंसर पूरा आपको बनाकर शेयर कर रहा हूं, जिसमें जैसे ये केस स्टडी कैश सिनेरियो नंबर 1 था, तो इसके अंदर जो एक क्वेश्चन बना था जिसके अंदर मल्टीपल एएस को कवर किया गया था, तो उसका मैंने आपको पूरा डिटेल्ड आंसर बना बनाकर आपको इसमें दे दिया है, एक पीडीएफ फाइल क्रिएट कर दिया है, जिसके अंदर कि आपको उसका पूरा डिटेल जो भी आंसर है, सॉल्यूशन है, वो आपको अवेलेबल हो जाए। तो वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर इसका पूरा का पूरा डिटेल, और इसी फाइल के अंदर आपको एक वीडियो लिंक शेयर कर दिया गया है, जहां पर मैंने इसका यूट्यूब पे आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था, तो वो सारी चीजें आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। मैं अब आप लोगों के लिए ये बताना चाह रहा हूं कि जो बी पार्ट है, जो इसी पेपर का भी पार्ट था सितंबर 24 का, जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था, उसका भी मैंने सेम वे में पूरा का पूरा उसका प्रिंटेड जो सजेस्टेड आंसर मेरे नॉलेज के हिसाब से बन सकता है, वो पूरा का पूरा आंसर मैंने उसका भी बना दिया है। तो मैं उसमें से, मुझे ऐसा लगा कि क्लास में अपने को उसके अंदर से जो वीडियो बनाना है, वो वीडियो पूरे का बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उसका प्रिंटेड फॉर्म ऑफ आंसर स्टूडेंट को दे देता हूं, तो अननेसेसरली वीडियो को बहुत बड़ा बनाकर आपको शेयर करूं, पूरे 3 आवर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, इंस्टेड ऑफ दैट जो पिन पॉइंट्स है, अगर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मुझे उसमें जब एनालिसिस किया, तो मुझे लगा कि उसमें पिन पॉइंट के नाम से एक ही क्वेश्चन है, जिसको अपने को ढंग से करना चाहिए, क्लास में डिस्कस करना चाहिए। तो वो जो मैंने क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5, जो अपना बी पार्ट था, उसमें 14 मार्क का क्वेश्चन आया था कंसोलिडेशन का, जिसमें आईसीएआई ने इस बार कंसोलिडेशन में छोटा सा एक नया काम करा, और वो नया काम क्या करा, उसने कंसोलिडेशन के अंदर यहां पर होल्डिंग सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट तो रखा ही रखा, और इसी के साथ इसी क्वेश्चन में इसने एसोसिएट वाला कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो होल्डिंग सब्सिडरी और साथ में एसोसिएट, तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन बन जाता है, जो कि बिल्कुल अलग है। बट अगर अपन इसको देखकर आंसर्स में जाएं, इसके रिक्वायरमेंट को पढ़े, पता चलेगा सर है ना, ये तो अपन जो बैलेंस शीट वगैरह बनाते थे सीएफएस के, आप जब करवा रहे तो पता लगेगा कि ये तो उससे आसान है। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात और कह दूं, जैसे कि पूरा एक इसके बारे में कॉन्सेप्ट बन रहा है कि है ना, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नया फ्रेम किया, इजी है, बट ये नया फ्रेम हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन अपनी बुक में नहीं था। बट मैं अटेम्प्ट के लिए जो बच्चे यहां से प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको जब एक मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया था, उनकी मल्टीपल मॉक टेस्ट सीरीज होती है आप लोगों को पता है, तो उसमें इस तरह का एक सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन, जिसमें ये सब नहीं पूछकर बैलेंस शीट वगैरह पूछा गया था, तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी वीएसआई ने एडवांस अकाउंटिंग के मॉक टेस्ट पेपर जो वीएसआई के होते हैं, वहां पर इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पुटअप किया गया था 14 मार्क का। तो देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो मुझे पूरे पेपर में लगा कि यही एकमात्र क्वेश्चन है जो आपको बताने लायक है, जिसको मैं समझा देता हूं, तो उसका मैं आंसर आपको डिस्कस कर रहा हूं। उसके अलावा सब कुछ मैंने प्रिंटेड इसका आंसर बना दिया, पूरे पेपर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को प्रिंटेड फॉर्म में बना दिया है, जिसको कि आप पीडीएफ फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। सर वो अरेंज कहां से करेंगे, तो वो जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में अरेंज करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, एचपी सर के नाम से टेलीग्राम में सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो पीडीएफ फाइल है वो आपको इसकी अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें इसके बारे में जो बताने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन के बारे में, देखिए नो डाउट ये यूनिक क्वेश्चन है, बट बहुत इजी है, और जैसे मैंने बताया कि एडवांस अकाउंटिंग के मई 24 के अटेम्प्ट के लिए जब यहाँ पर मॉक टेस्ट हुए थे, तो उसके अंदर इस तरह का सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मिलता जुलता पूछा गया था। देखिए क्या क्वेश्चन है, ऑन 1st of February 2024 बैस लिमिटेड एक्वायर्ड 80% इक्विटी शेयर्स ऑफ कूल लिमिटेड। कह रहा है कि इस बैस लिमिटेड ने
80% होल्डिंग कर रखा है, कहां पर? स्कूल लिमिटेड में 80% होल्डिंग कर रखा है। तो जैसे मैं आपको पूछता हूं, जब बताओ दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता हो गया होल्डिंग और सब्सिडरी का, यानी बैस लिमिटेड होल्डिंग हो गई और कूल लिमिटेड उसका सब्सिडरी बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। ऑन 31 मार्च 2024 बैस लिमिटेड ऑल्सो एक्वायर 25% इक्विटी शेयर ऑफ गुड लिमिटेड। अब देखो इसने यहां पर क्या करा, इसी बैस लिमिटेड ने इस गुड लिमिटेड के भी 25% होल्डिंग को एक्वायर कर दिया। तो अब इनका आपस में ये रिश्ता क्या हो गया? सर ये रिश्ता हो गया, यहां पर ये बन गया इन्वेस्टी, ये बन गया इन्वेस्टर और ये बन गया इसका एसोसिएट। तो ये एसोसिएट बन गया, तो ये आपस में इनका रिश्ता हो गया एसोसिएट। ये बन जाएगा कौन? गुड लिमिटेड इसका बेस्ट का। तो अब आपको इसके नीचे हमेशा जैसे बैलेंस शीट के कॉलम में डेटा दिए जाते हैं, वैसे सेम वे में आपको डेटा दे रखे। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें साथ में एडजस्टमेंट में दे रखी है। एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है? कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कूल शो। कूल कौन है? सब्सिडरी कंपनी। कह रहा है सब्सिडरी कंपनी जो कूल है उसका जो पीएल है वो 1 अप्रैल 2023 का 30,000 है। इसका मतलब जब अपन एनालिसिस करते हैं प्री पोस्ट का, सारा खेल उसी का चलता है। तो देखो जरा यहां पर दोस्तों, आपको कह रहा है कि ये जो होल्डिंग है और सब्सिडरी है उसके साथ एसोसिएट है। अब देखो इसमें अपने को लग रहा है कि अपन देखते ही घबरा जाए। अपने जैसे ये क्वेश्चन देखा ये तो बिल्कुल अननोन लगा, किसी भी बुक के अंदर कहीं ऐसा क्वेश्चन तो था नहीं। और अपन ने जैसे ही लगा पढ़ा, अपने को लगा यार मैं तो डर गई, लेकिन अपने को इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स को बनाएंगे आपको लगेगा वास्तव में कि बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सुनो ध्यान से, यहां पर ये तीन कंपनियां हैं। एक तो सबसे पहले तो बेस्ट लिमिटेड है जो मेन कंपनी है, इसी का एक सब्सिडरी है इसका नाम है कूल लिमिटेड, और इसी का एक एसोसिएट है जिसका नाम इसने यहां पर बताया है गुड लिमिटेड। तो ये गुड लिमिटेड है, ये तीन कंपनियां हैं। अब आपको जब कंसोलिडेशन करना होता है उसमें ES 21 जो अपना कंसोलिडेशन का मेन ही है सब, वो क्या कहता है कि जब आप इसका कंसोलिडेशन करोगे तो उसके साथ सब्सिडरी के एसेट लाइबिलिटी को भी कंसोलिडेट करोगे, जिसके लिए अपन दुनिया भर की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो एसोसिएट है क्या इसकी भी एसेट लाइबिलिटी को कंसोलिडेट करोगे क्या? आंसर इज नो। जो एसोसिएट होता है उसके लिए जब आप एसोसिएट का एएस पूरा पढ़ते हो तो आप सबको मालूम है कि उसके अंदर जब एएस अपन ने पढ़ा था तो वहां पर क्या करा था, जो एसोसिएट के लिए ES 23 पढ़ा था वहां पर अपन ने देखा कि एसोसिएट के अंदर अपन केवल क्या करते हैं, अपना जो इन्वेस्टमेंट किया उसी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को दिखाते हैं और उसी को कंपेयर करते हैं वर्सेज शेयर इन नेट असेट। जो एसोसिएट की नेट असेट है कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, उससे उसको कंपेयर करते और उसी का डिफरेंस निकालते गुडविल या सीआर, और बस उसी गुडविल या सीआर को अपन वहां पर रिफ्लेक्ट करके उसी पैटर्न से उसी इन्वेस्टमेंट के साथ में डिस्क्लोज करते। तो अपन इन्वेस्टमेंट के वैल्यू के साथ वो गुडविल सीआर को एडजस्ट करते शेयर इन नेट असेट। तो बस उसी के बेसिस पे चलना है। कंसोलिडेशन तो होता ही नहीं है ना कि अपन सोचे यहां पर कंसोलिडेशन करेंगे, तो कंसोलिडेशन तो होता ही नहीं। तो अब आपको सबसे पहले क्या कहा कि अपन ने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है ये इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2024 को किया, यानी अपना ध्यान देना दोस्तों करंट ईयर 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ और ये अपना मार्च 2024 चल रहा है, मार्च 2024 चल रहा है। कह रहा है अपन ने जो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया था कूल लिमिटेड में वो 1 अप्रैल 2024 को किया था, यानी 10 मंथ इधर हो गए 2 मंथ इधर हो गए। ये अपना डेट ऑफ एक्विजिशन है जिसमें अपन ने सब्सिडरी के शेयर्स को खरीदा। ठीक है, समझ में आ गया। कितने परसेंट होल्डिंग करी थी? 80%। दूसरे तरफ अपन ने जो एक्विजिशन किसमें किया था? गुड लिमिटेड में, यानी एसोसिएट में किया था, तो वो तो बिल्कुल ईयर के एंड पे ही किया है और ईयर के एंड पे करा है यहीं पर DOA 25% होल्डिंग को खरीदा, यानी इसमें खास बात ये होगी कि सब कुछ फ्री हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब अपन एक बार इसको एसोसिएट को रहने देते हैं, अपन तो नॉर्मल तरीके से बात करते हैं और सीधा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में चलते हैं और रिक्वायरमेंट में देखते हैं कि इसने क्या क्या पूछा। तो देखो बहुत ही आसान है, आपको इवन बैलेंस शीट भी नहीं पूछी, अगर पूछता तो थोड़ा दिक्कत होती, या तो
पॉइंट पूछे छोटे छोटे, और अभी अपन देखेंगे कितना आसानी से कैलकुलेट हो करा रहे। देखिए जरा क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको कह रहा है कि अब इसका ट्रेड पेबल बता दो कंसोलिडेटेड। क्या करिए इसका आप ट्रेड पेबल कंसोलिडेटेड बताइए। तो अपने को इसका ट्रेड पेबल कैलकुलेट करके बताना है। अब ट्रेड पेबल कंसोलिडेट कैसे करें, देखो दोस्तों बड़ा सिंपल सा काम है। ये अपन ट्रेड पेबल में आ गए, ये अपने को यहां पर ट्रेड पेबल दिख रहे हैं, ये रहा। जिसमें आप कंसोलिडेशन करोगे तो क्या करोगे, कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड पेबल एक तो खुद का ले लोगे, कह रहा है ये रहा ट्रेड पेबल इंक्लूडिंग बीपी, तो 380 ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो सब्सिडरी है उसका भी इंक्लूड करते हो, लेकिन इसका तो नहीं लेते। जो एसोसिएट है उसका कुछ भी इंक्लूड नहीं करना, उसके लिए तो केवल वो इन्वेस्टमेंट का ही प्रेजेंटेशन होता है। उसी के दो हिस्से बनते हैं क्या, शेयर इन नेट असेट और गुडविल और सीआर, बस उसी के बेसिस पे चलता है। तो आपको ये कह रहा है ट्रेड पेबल बता दो, तो ये लो आंसर हो गया ट्रेड पेबल का 380 + 410। लेकिन इसमें से अपन एक एडजस्टमेंट करते हैं, अगर किसी तरह का कोई म्यूचुअल वगैरह है, आपस का लेन देन है, उसके कारण अगर कोई चीज बाकी है तो वो अपन देख लेते हैं। तो उसको देखते हैं जरा, इस तरह की कोई बात है क्या। यस, इसमें एक पॉइंट आया। क्या पॉइंट आया, कह रहा है ऑन 31 मार्च 2024 ऑल द बीपीएन कूल लिमिटेड बैलेंस शीट वर एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ बेस्ट लिमिटेड, हाउएवर ऑन दैट डेट बेस्ट लिमिटेड हेल्ड ओनली 3 lakh of these acceptance in hand, the rest having been endorsed in favor of creditor. ये लो ये बात आ गई। कह रहा है कि 31 मार्च को बीपी इन कूल लिमिटेड, जो कूल लिमिटेड की बीपी है, वो सारे के सारे acceptance है बेस्ट के लिए, यानी वो सारे के सारे बेस्ट के भी आ रहे, तो यानी आपस का म्यूचुअल हो गया। लेकिन वो सारे के सारे है तो सही, लेकिन उसमें से अभी 3 lakh ही पड़े हैं, बाकी को बेस्ट ने किसी और को एंडोर्स कर दिया। ऐसा सेम डिटो पॉइंट अपन ने जो सीएफएस का बड़ा वाला क्वेश्चन था, जिसमें बोनस वगैरह सब कुछ था, स्टडी मेट वाला क्वेश्चन, उसमें ऐसा का ऐसा सेम पॉइंट था, डिटो पॉइंट था। तो ये 3 lakh रुपए का जो अमाउंट है, ये आपस का म्यूचुअल हो गया, तो म्यूचुअल हो गया तो ये इसी में से लेस हो जाएगा, तो कुछ करना ही नहीं है मुझे, तो आप कैलकुलेटर से ही बता दो। अपन ने 380 लिया प्लस 410 लिया और वो 3 lakh उसमें से लेस कर दिया, तो आप जल्दी से मुझे कैलकुलेट करो। इधर ये लो मैं आपको आंसर विजिबल कर देता हूं। तो ये इसका पहला पॉइंट का आंसर आ गया दोस्तों। मैंने इसी तरीके से पूरा पीडीएफ आपको आंसर का बना दिया है कि मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट सजेशंस ऑफ आंसर्स इस पेपर के क्या हो सकते हैं, वो आपको बनाकर दे रहा हूं। तो देखो इसके अंदर 380 और 410 ले लिया और उसमें से म्यूचुअल वाला हटा दिया, तो 490 का कंसोलिडेटेड आ गया। ये आपका पॉइंट नंबर 1 का आंसर बन गया, जो बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन था। अगले पॉइंट में चलते हैं। कह रहा है करंट असेट बता दो कंसोलिडेटेड, तो करंट असेट बता देते क्या दिक्कत है। तो करंट असेट के लिए फिर इधर आते हैं, देखो यहां पर ये रही करंट असेट। तो करंट असेट में क्या करें, गेन अपने को केवल किसका लेना है, होल्डिंग का और प्लस सब्सिडरी का, ये वाला तो लेना नहीं, तो होल्डिंग और सब्सिडरी का करंट असेट ले लिया। अब इस करंट असेट में क्या क्या चेंज करें, एक वो जो 3 lakh का अपन ने लाइबिलिटी में से हटाया था, दैट वाज आल्सो एग्जिस्ट इन करंट असेट, बीआरबीपी तो था, तो यानी एक तरफ अपन ने उसको बीपी से हटा दिया था अभी भी, तो वो करंट असेट में से भी तो हटेगा, यानी एक तो अपन ने यहां से वो 3 lakh हटा दिया, ये लो। और क्या करें, और इसके अलावा क्या करेंगे यहां पर आगे करंट असेट के अंदर, तो देखो एडजस्टमेंट में देखते हैं। पहला पॉइंट पीएल का है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट कह रहा है जीआर पहले से आया है, मतलब प्री का है। अगला पॉइंट ये अपन ने देख ही लिया। उसके बाद एक पॉइंट यहां पर और है, ये क्या देर का है, कह रहा है बेस्ट लिमिटेड परचेज गुड्स कॉस्टिंग 5 lakh फ्रॉम कूल लिमिटेड ऑन 1st of June 2023 एट अ प्राइस ऑफ 650। कह रहा है कि बेस्ट ने परचेज किया था कूल से, दो तरह के ट्रांसफर अपन ने पढ़े थे, एक तो डाउन स्ट्रीम ट्रांसफर और एक अप स्ट्रीम ट्रांसफर। डाउन स्ट्रीम जब होल्डिंग सब्सिडरी को बेच रहा है, अप स्ट्रीम जब सब्सिडरी होल्डिंग को बेच रहा है, जो भी बेचा उसके प्रॉफिट से उसको हटाओ और जिसके पास वो इन्वेंट्री अभी पड़ी है उसकी इन्वेंट्री से हटाओ, ये सब चीजें अपन ने पढ़ी हुई है, जिसको कि अपन अनरियलाइज प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व के नाम से जानते हैं। कह रहा पूरा स्टॉक पढ़ा है अभी, बिल्कुल भी नहीं बिका, तो बिल्कुल भी नहीं बिका, तो इसका मतलब क्या करेंगे दोस्तों।
इसका मतलब अपन वो जो 150 का प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है वो अनरियलाइज प्रॉफिट बन गया। क्या बन गया? अनरियलाइज प्रॉफिट। तो उस अनरियलाइज प्रॉफिट को अपन इसमें से एलिमिनेट करेंगे, इसमें से उसको हटाएंगे, यानी 150 को अपन हटाएंगे। तो अपन ने क्या करा, देखो दोस्तों यहां पर ये जो आंसर बनाया करंट असेट के कंसोलिडेटेड का, सिंपली क्या किया, दोनों की वैल्यू को पिक किया, ये लो बेस्ट और कुल की वैल्यू ले ली दोनों एज इट इज। एक अपन ने म्यूचुअल वाला मैंने कहा था हटा दो, और एक ये स्टॉक रिजर्व 150 वाला हटा दो, बस ये हटा दिया तो अपने पास में फाइनल आंसर आ गया 10,75,000 का। तो ये अपनी कंसोलिडेटेड करंट असेट आ गई। ध्यान देना एसोसिएट का कॉलम दे तो रखा है लेकिन अपन उसका कुछ कर ही नहीं रहे, वो अभी अपने कोई काम ही नहीं आ रहा। तो अपने को लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा टफ है, कुछ ही नहीं है, बड़ा इजी है, ये टुकड़े छोटे छोटे जो पड़े हैं इससे बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। तो ये अपनी करंट असेट की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई, ठीक है, समझ में आ गया सर। आगे बढ़ते हैं, तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, कह रहे माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल दो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, एंड ऑफ द ईयर जो सब्सिडरी की नेट असेट पड़ी है, चाहे वो प्री हो चाहे पोस्ट हो, जो कैपिटल और रिजर्व पड़े हैं उन कैपिटल और रिजर्व में से जो माइनॉरिटी का हिस्सा है वो ले लेंगे। 80% होल्डिंग के पास है तो 20% माइनॉरिटी के पास है, तो 20% हिस्सा उसकी नेट असेट में से ले लो, बड़ा इजी सा काम है। तो कैसे ले लो, तो अपन ने कैलकुलेटर उठाया, अपन ने कहा जी एक तो है ना अपन ये उसकी कैपिटल ले लेते हैं 20 लेख, ये लो ले लिया। एक अपन उसका प्रीमियम ले लेते हैं 220 जी ले लिया। एक अपन ने उसका जीआर ले लिया 84 जी ले लिया। एक उसका अपन ने पीएल ले लिया 270। तो ये चारों चीजें मिलाकर उसकी नेट असेट बन गई। क्या क्या किया अपन ने, 20 लाख का कैपिटल ले लिया, प्रीमियम ले लिया, उसके अलावा क्या किया जीआर ले लिया, और उसके अलावा पीएल ले लिया। ये सारी चीजें ले ली, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो एंड का निकलता है तो उसमें प्री पोस्ट का चक्कर देखने की जरूरत नहीं है, सारा ही ले लो। आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट डीओए का नहीं पूछ रहा, एंड का निकालना है तो एंड में तो सब कुछ आ जाता है, तो ये सब चीजें ले लो। उसमें से वो जो अपन ने अभी अभी देखा था कि एक एडजस्टमेंट आया था, उस एडजस्टमेंट के अंदर क्या था, उस एडजस्टमेंट के अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था, तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अपन ने पीएल में से हटा दिया। तो क्या करा देखो जरा, अपन ने माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला तो चारों आइटम ले लिए। क्या चारों आइटम, ये कैपिटल ले लिया, ये प्रीमियम ले लिया, ये जीआर ले लिया, पीएल ले लिया, पीएल में से लेकिन वो 150 हटा दिया। इन सब का अब माइनॉरिटी कितना परसेंट है, 20%। तो चाहे तो अपन एक साथ एड करके शॉर्ट कट कर दे, चाहे 1/1 कर दे, तो अपन ने 1/1 करके फाइनल एग्रीगेट टोटल लगा दिया, कैपिटल का 20%, प्रीमियम का 20%, इसके अलावा जीआर का 20%, उसके अलावा पीएल का अपन ने 20% ले लिया, लेकिन वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाने के बाद, स्टॉक रिजर्व हटाने के बाद। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 484,800 का कैलकुलेट होकर आ गया। ये अपना इस क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट बनकर रेडी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कह रहे गुडविल या सीआर कैलकुलेट करो डीओए के दिन का। तो गुडविल या सीआर डीओए के दिन का करना है, यहां अब ध्यान दो, अपने को इसने कहा था कि 1 फेब 24 को डीओए है, तो उसी दिन का अब गुडविल सीआर कैलकुलेट करना है डीओए के दिन का। तो अपने को डीओए के दिन के इसकी नेट असेट चाहिए, उसका फिर अपने को 80% नेट असेट निकालना है, कंपेयर करना है इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से, तो अपने पास में गुडविल या सीआर आ जाएगा। तो वो नेट असेट अपन कैसे निकालेंगे, तो देखो उसमें अपना जो कैपिटल है वो तो फ्री में ही आता है, तो कैपिटल तो पूरा का पूरा ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक तो अपन ने क्या किया, 20 लाख की कैपिटल ले ली। प्रीमियम के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ आया नहीं लिखा, अपन मान के चलेंगे पहले से, यानी ये कैपिटल प्री में आ गया, ये प्रीमियम प्रीमियम आ गया। जीआर के बारे में साफ लिखा हुआ है कि पिछले साल से आ रहा है, यानी ये भी प्रीमियम आ गया। पीएल के बारे में अब एक दिक्कत आ गई, तो ये तीन चीज तो पूरी प्री है, बस पीएल को आपको एनालाइज करना है, पीएल के बारे में बात करना है कि पीएल के बारे में कैसे करेंगे। तो पीएल अपने को टोटल मिलाकर 2,70,000 का दे रखा है। अब इस 2,70,000 के पीएल में से दो बातें बोल रहा है। एक बात तो क्या बोल रहा है कि 30,000 तो 1 अप्रैल 2023 का था, मतलब ध्यान देना दोस्तों ये अपना पूरा ईयर है 1 अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 का, और टोटल मिलाकर आपको अब पीएल दे रखा है 270 का यहां पर, और कह रहा है ओपनिंग पीएल कितना था, 30 था। ये ओपनिंग पूरा प्री में गया, ठीक है,
इसके अलावा यहां तक अब करंट ईयर का पीएल कितना हो गया सर? करंट ईयर का हो गया 240। अब 240 में से फर्स्ट ऑफ फेब 24 से पहले 10 महीने, इधर 2 महीने, तो आपको तो इधर वाला चाहिए प्री वाला, तो प्री वाला ले लिया, तो 240 का 10/12 ये लो जी ले लिया। अब 10/12 करा तो कितना आ गया सर? 240 का 10/12 मतलब सर आई थिंक 2 लाख आ जाएगा। ये लो 2 लाख रुपए ये आ गया, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इस 2 लाख में से आपको याद हो 150 का तो अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो वो 150 यहां से हट जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो उस 150 के तो अनरियलाइज प्रॉफिट को अपन यहां से हटा देंगे क्योंकि वो प्री का ही था। अगर आप उसमें सेल देखोगे तो वो डीओए से पहले की है यानी प्री की है, तो प्री वाले में से हटा दिया, तो अब कितना बचा? 50,000। ये 50,000 आपका यहां बचा और 30,000 पहले से था, तो 50 और 30 टोटल मिलाकर हो गया 80। ये आपका पीएल बन गया। तो देखो दोस्तों, मैंने यहां पर कैलकुलेटर से प्री प्री का टोटल लगाया, तो एक तो ओपनिंग पीएल ले लिया 30 प्लस करंट ईयर वाला ले लिया 50। करंट ईयर वाला वापस देख लो, टोटल मिलाकर कितना है? 240। 240 में से अपन ने क्या करा? अपन ने 10 मंथ का निकाला 2 लाख, उसमें से अनरियलाइज स्टॉक रिजर्व कितना है? 150 का, तो ये बन गया दोनों मिलाकर 80। तो ये बन गया। इसके अलावा ये तीनों आइटम प्री के है, इनको एज इट इज ले लेते हैं। ये लो एज इट इज ले लिया, कैपिटल 20 लाख प्लस 2,20,000 का अपने पास में प्रीमियम है और प्लस 84 का अपने पास में, तो ये 2384 का नेट असेट आ गया डीओए के दिन का। नेट असेट में से अपना हिस्सा 80% है, तो ये मैंने निकाल दिया 80%, तो ये 80% कैलकुलेशन बनकर आ गया और ये आ गया 1907200। कितना आ गया? 1907200। अब इसको मैंने कंपेयर किया इसकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आपको कह रहा है आपने इसको 1480 में खरीदा, तो ये लो 1480 से मैंने इसको कंपेयर कर दिया। ये लो जी कंपेयर कर दिया 1480 से, तो माइनस इसमें से मैंने करा 1480, तो 427200 आ गया। अब इसमें अगर अपन देखें तो नेट असेट ज्यादा और कॉस्ट कम है, ये आपका कॉस्ट है और ये आपका शेयर इन नेट असेट है, तो इसका मतलब डिफरेंस जो है वो कैपिटल रिजर्व बनकर आ जाएगा। तो देखो मैंने यहां पर इसका पूरा प्रिंटेड फॉर्म में दोस्तों आंसर बना दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना रहे। ये अपना माइनॉरिटी इंटरेस्ट था पूरा प्रिंटेड, इसी तरीके से अब मैंने इसका क्या निकाल दिया, ये मैंने इसका कैलकुलेशन बना दिया गुडविल और सीआर का, तो जिसमें देखो 427200 का ये सीआर कैलकुलेट होकर आ गया। ये अपन ने उसके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट लिया, ये जितने भी प्री वाले प्रॉफिट और कैपिटल थी उसका 80% निकाल दिया, कैपिटल का 80 कर दिया, प्रीमियम का 80 कर दिया, जीआर का 80, पीएल में से 30,000 ओपनिंग था उसका 80 कर दिया, करंट ईयर का प्रॉफिट था कितना 240, उसमें से अपना उसमें से अपन ने हटा दिया जो स्टॉक रिजर्व, तो उसका भी अपन ने 80% कर दिया, तो अल्टीमेटली अपने पास में 427200 का सीआर कैलकुलेट होकर आ गया। कितने आसान कैलकुलेशन है, वैसे अभी तक वो कॉलम तो अपन ने यूज ही नहीं करा जिससे अपने को डर लग रहा है कि ये साथ में क्या दे दिया गुडविल और सीआर ऑफ गुड। अब यहां पर कह रहा है कि जो दूसरी कंपनी उसका भी गुडविल सीआर निकाल दो, दूसरी कंपनी का तो इतना आसान, इतना आसान पूछो ही मत। क्या दूसरी कंपनी का ईयर एंड का है? तो ईयर एंड का है तो सारा ही फ्री है, तो दूसरी कंपनी का अपन ने देखो इक्विटी कैपिटल ले लिया 10 लाख, ठीक है ले लिया सर, प्रीमियम वगैरह है नहीं, डिबेंचर है नहीं, जीआर ले लिया अपन ने 120 और पीएल ले लिया अपन ने 50, तो तीन आइटम है, इन तीनों का मैंने एडिशन करा 10 लाख प्लस मैंने लिया जो जीआर है वो 120 आपको दे रखा है और प्लस मैंने 50 का लिया पीएल, तो मेरे पास में 1170 का नेट असेट आ गया। इसी का अपन ने 25% इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो 25% 292500 आ गया। 292 को मैंने कॉस्ट से कंपेयर किया 380 से, तो माइनस कर दिया 380,
इसका मतलब 87,500 का गुडविल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो वी हैव कैलकुलेटेड द गुडविल, ये देखो मैंने आपको इसका आंसर शो कर दिया है, ये अपन ने कैलकुलेशन करके बता दिया और ये 87,500 का गुडविल आ गया, कॉस्ट ले लिया। और वो जो तीन आइटम थे, कौन से तीन आइटम थे, एक तो कैपिटल, एक जीआर और एक पीएल, उनका 20 सारे प्री है क्योंकि ईयर के एंड पे किया, तो ये अपन ने इसकी कैलकुलेशन करके बता दी। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 पॉइंट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, कितना आसानी से पूरे होते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट कह रहे पीएल बता दो, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड पीएल बता दो। तो कंसोलिडेटेड पीएल के लिए क्या करते हैं आपको याद हो, होल्डिंग का तो पूरा लेते हैं और सब्सिडरी के पोस्ट में से होल्डिंग का हिस्सा, होल्डिंग तो पूरा लेते हैं सब्सिडरी के पोस्ट में से होल्डिंग का हिस्सा। तो देखो होल्डिंग का खुद का पीएल अपने को यहां पर दे रखा है, वो तो दे रखा है 3,26,000, तो ये तो मैं ले लूंगा एज इट इज, 3,26 एज इट इज ले लूंगा। और सब्सिडरी में से जो हिस्सा है वो मैं पिक करूंगा, तो सब्सिडरी के अंदर पीएल 270। अब इसमें से याद करो केवल पोस्ट का हिस्सा, तो केवल पोस्ट का हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो ये रहा अपना एनालिसिस बना हुआ पीएल का। ये देखो पीएल टोटल मिलाकर करंट ईयर का 240 था, 30 तो पूरा ही प्री था, 270 का एंड ऑफ द ईयर का बैलेंस है यानी 240, उसमें से भी 2 लाख तो डीओए से पहले का था, यानी ये 40,000 डीओए के बाद का है। तो 40,000 में से अपना हिस्सा 80% आई थिंक 32,000 हो गया, तो 32 तो ये हो गया और पहले से उसका पीएल 326, दोनों का एडिशन कर देते हैं, ये लो मैंने आंसर आपके सामने शो कर दिया। तो इस तरह से अपने पास में ये कैलकुलेट होकर 358 का कंसोलिडेटेड पीएल आ जाएगा, तो 358 विल बी कंसोलिडेटेड पीएल। तो ये आपके पास में कंसोलिडेटेड खुद का और होल्डिंग के पोस्ट में से अपना हिस्सा, ठीक है, सब्सिडरी के सॉरी पोस्ट में से अपना हिस्सा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो देखो दोस्तों और क्या दे रखा है आपको, और आपको यहां पर बता रखा है कि आप इसका जीआर बता दो कंसोलिडेटेड, जीआर कंसोलिडेटेड, कितना आसान क्वेश्चन है आपको बताया, इसमें लिखा था जीआर पूरा का पूरा प्री से आया है, पहले से आया है, यानी कि सब्सिडरी में से तो कुछ लेना नहीं, अगेन सब्सिडरी में से केवल पोस्ट में से अपना हिस्सा होता है, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो अपना खुद का ही जीआर बता दो ना, बात ही खत्म। तो खुद का जीआर कितना है, ये रहा 269, बस यही आंसर हो जाएगा, सब्सिडरी में से कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि उसके पास पूरा का पूरा प्री का पड़ा है। तो ये लो जीआर का आंसर हो गया, खुद का पूरा 269 और सब्सिडरी से कुछ आया नहीं, सो फाइनल आंसर विल बी 269। चलो ये भी पॉइंट हो गया सर, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट में डिस्कशन करते हैं। तो अगले पॉइंट के अंदर देखिए यहां पर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ के बारे में पूछा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताइए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो जरा यहां पर, ये रहा अपना सेल एंड अदर इनकम। अब नॉर्मली अदर इनकम अलग से आती है, सेल आरएफओ होता है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने स्टेटमेंट ऑफ पीएल को कंसोलिडेट करने का किया था, वी आर नॉट एबल टू सेग्रीगेट दीज टू आइटम, अपन इनका सेगमेंटिंग सेपरेशन करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो फिर अपन इसको पूरे को ही आरएफओ मान लेंगे। अब पूरे को ही आरएफओ मान लेंगे तो दिमाग में आता है सर दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, और जो आईसीआई ने गलती की थी वो भी अब अपने से हो जाएगी। आईसीआई ने एक टाइम पे जब मई 24 के आरटीपी को रिलीज किया था तो उस टाइम पे उन्होंने ऐसा सेम क्वेश्चन पुटअप किया, उन्होंने आंसर में क्या करा, उन्होंने पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर दिया, जबकि यहां पर अपने को याद हो कि अपन ने 1 फरवरी से ही अपन ने होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता एस्टेब्लिश किया है, तो ES 21 कहता है कंसोलिडेशन भी उसी दिन से होगा, उससे पहले का नहीं होगा, तो इसका मतलब उससे पहले के रेवेन्यू को नहीं लोगे, तो ये तो पूरा ले लोगे और इसका 2/12 ले लोगे, ये लो दैट्स इट हो गया, तो 38 लाख का 2/12 ले लोगे और ये 56 पूरा ले लोगे, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। तो आंसर आ गया इसका कितना, ये आ गया 56 इसका पूरा ले लिया और उसके 38 लाख का अपने 2/12 ले लिया, सो आंसर विल बी 62,33,333, ये अपना कंसोलिडेटेड आरएफओ आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। इसी तरह से आपको कंसोलिडेटेड कह रहा है मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करके बता दो, बिल्कुल आसान सा आंसर, क्या करेंगे, ये रहा मटेरियल कंज्यूम खुद का ले लेंगे, ये लो जी खुद का ले लिया और यहां से 2/12 और उठा लेंगे वही 2 मंथ का, तो ये लो कैलकुलेट होकर आ गया। तो इस तरह से इसके सारे पार्ट जो अपने को रिक्वायर्ड थे
वो सारे के सारे पार्ट, ये लो इसका आंसर भी आपको विजिबल कर दिया, तो ये सारे के सारे पार्ट अपने को कैलकुलेट होकर मिल गए। अब दिखने में लगा था कि अपने को ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा है, वो जो कॉलम एक्स्ट्रा दे रखा है सर बहुत ही मुश्किल कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, उसका तो बेचारे का एक रिक्वायरमेंट पूछा था गुडविल सीआर निकाल लो, उसकी एसोसिएट के साथ भी तो वो अपने निकाल लिया था, आई थिंक गुडविल आया था उस टाइम पे, इसके अलावा उसका पूरे कॉलम का कोई लेना देना ही नहीं, बाकी आसान क्वेश्चन हो गया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कोई ना कोई आइटम स्किप हो जाए, ओवर हो जाए, गलती हो जाए, लेकिन जब इंडिविजुअल आइटम बना रहे हो तो इनमें तो कोई गलती होने के चांस ही नहीं है। तो कहने को कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, ये था वो था, बट इन माई ओपिनियन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, तो बड़े आसानी से आप कर सकते थे। इसके अलावा बाकी पेपर में तो कुछ बताने लायक वैसे भी नहीं है, सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने बुक से ऑलरेडी रिपीटेड है, ऑलरेडी बुक्स का पार्ट था। इवन मैंने तो कहा ये क्वेश्चन भी हमने May 24 के जो मॉक टेस्ट बच्चों के लिए थे एडवांस अकाउंटिंग के लिए, उसमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन को पुटअप किया गया था, इस तरह का क्वेश्चन भी डेवलप किया गया था। तो ये मैंने आपको पूरा इसका सॉल्यूशन बता दिया, आई थॉट कि आपको ये हेल्पफुल लगेगा, इंफॉर्मेटिव लगेगा। और इसके अलावा बाकी आंसर्स में नहीं बता रहा हूं, उनके पीडीएफ में आपको शेयर कर रहा हूं जिसमें पूरे आंसर डिटेल से बने हुए, मैं एक बार आपको वो पीडीएफ दिखा देता हूं, आप उस पीडीएफ को अरेंज कर सकते हैं, एचपी सर के नाम से टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम मिल जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इधर आ जाते हैं वीडियो को, दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें, अगर आपको चीजें हेल्पफुल लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है तो आपको कमेंट भी करना चाहिए। ये देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका ये पूरा आंसर का दिखा रहा हूं, मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन ड्रॉ कर रखा है, तो मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ये इसका 1A का पूरा आंसर है मैंने बना दिया है, 1B का पूरा सॉल्यूशन बना दिया है, इसके अलावा ये 1C का पूरा आंसर इसका बनाकर दे दिया गया है, इसके अलावा क्वेश्चन 2 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला था उसका कंप्लीट आंसर बनाकर दे दिया गया है। तो इस तरह का पीडीएफ और सेम कॉन्सेप्ट ऑफ पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पार्ट 1 का भी अलग से बना दिया, वो भी आप अरेंज कर सकते हो, तो पार्ट 1 की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, पार्ट 2 का भी मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा, अब जो आपका पेपर हुआ था एडवांस अकाउंटिंग का September 24 का दोस्तों, उसमें से अब कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली बात नहीं है, कुछ भी और बात बताने वाली नहीं है जिसमें आपको कुछ लगे कि उसके बारे में कोई अलग सेपरेट वीडियो की जरूरत है। तो आज का जो सेशन है वो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, मैंने आपको जैसे बताया कि आप प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच, राधे राधे।